डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एक तरतीब के साथ पढ़ा रहे हैं। उम्मीद है कि ये सीरीज आपकी हेल्प करती होगी। तो आज का हमारा लेक्चर है लैंड रिफॉर्म्स बाय भुट्टो, और ये हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में टॉपिक नंबर 10 है, भुट्टो एंड पाकिस्तान, ये उसका लेक्चर है, और पाकिस्तान अफेयर्स का ये लेक्चर नंबर 63 है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि भुट्टो ने जो इलेक्शन लड़ा था वो रोटी कपड़ा और मकान के स्लोगन के ऊपर लड़ा था, ये उनका नारा था। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि हम छोटे छोटे फार्मर्स को और जो छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको हम ताकतवर करेंगे, और जो बड़े बड़े फर्म्स हैं और इंडस्ट्रीज हैं उनकी जो मोनोपली है उसको तोड़ेंगे, ताकि जो मिडिल क्लास है उसको मौका मिल सके कि वो मुल्क में अपनी ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर सके, तरक्की कर सके, एक स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास हो, एक स्ट्रॉन्ग अपर मिडिल क्लास जनरेट हो, जिससे पाकिस्तान तरक्की कर सके। और इसके पीछे जो उन्होंने प्लान बनाया था वो इस्लामिक सोशलिज्म के आइडियाज थे। इसके अलावा उन्होंने ये कहा था कि मैं रिफॉर्म्स करूंगा, और ये वादा करके वो हुकूमत में आए थे, और उन्होंने कहा था कि ये अवाम की हुकूमत होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यानी कि पाकिस्तानी अवाम की पार्टी। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ज़रई मुल्क है और ज़्यादा आबादी देहात में रहती है और ज़मीन चंद खानदानों तक महदूद हैं, तो लैंड रिफॉर्म्स भी मैं करूँगा। तो ज़राअत एग्रीकल्चर की मदद से मुल्क तब्दील किया जा सकता है, और अयूब खान ने भी इसके लिए कोशिश की थी मगर वो नाकाम रहे थे। तो मार्च 1974 में लैंड रिफॉर्म्स लाई गई थी और मार्शल लॉ रेगुलेशन 115 के जरिए नाफिज की गई थी, क्योंकि भुट्टो ये चाहते थे कि वो चंद हाथों से ज़मीनें निकालकर अवाम में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें कि हर आदमी एग्रीकल्चर के अंदर कंट्रीब्यूट करे, जिससे पाकिस्तान अपने मामलात में खुद कफील हो जाएगा और इस तरह से महंगाई भी कम हो जाएगी और जो बेसिक ह्यूमन नीड है फूड में, दाल सब्जी रोटी वगैरह, वो सस्ती हो जाएगी और इस तरह से महंगाई पर भी काबू पा लेंगे। ये उनका एक बेसिक आइडिया था, थॉट प्रोसेस था। और उन्होंने कहा कि काबिले काश्त जो ज़मीन होगी, यानी कि वो ज़मीन जिसके ऊपर काश्त की जा सकती है, एग्रीकल्चर प्रोसेस किया जा सकता है, वो 150 होगी, कि कोई भी शख्स 150 एकड़ से ज़्यादा काबिले काश्त ज़मीन नहीं रख सकता। और गैर काबिले काश्त ज़मीन, मतलब कि वो जिसके ऊपर एग्रीकल्चर का प्रोसेस नहीं हो सकता, वो कोई भी 300 एकड़ से ज़्यादा नहीं रख सकता। हाँ, अयूब खान ने भी लैंड रिफॉर्म्स की थी, उनके दौर में ये जो काबिले काश्त जमीन थी वो 500 एकड़ रखी गई थी और जो गैर काबिले काश्त जमीन थी वो 1000 एकड़ रखी गई थी, यानी कि वो जमीन जिसके ऊपर फसल उग सकती है वो 500 एकड़ और जिसके ऊपर नहीं उग सकती तो 1000 एकड़। ये अयूब खान का थॉट था, उनकी रिफॉर्म्स थी, लेकिन भुट्टो ने इसको और ज्यादा सख्त कर दिया। उन्होंने उसको 150 से 300 की लिमिट रख दी थी। और बाद में 1977 में काबिले काश्त जमीन जो थी उसको कर दिया गया था, यानी कि वो जमीन जो कि काश्त हो सकती है वो 100 एकड़ और जो नहीं हो सकती 200 एकड़, यानी कि उससे भी ज्यादा कम कर दिया। तो अब एक आदमी 100 एकड़ या 200 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता। हाँ, कुछ खानदान थे जो कि इसका विक्टिम बने थे, जो कि ये दावा करते थे कि हम जद्दी पुश्ती अमीर हैं। इसके अलावा उनको अंग्रेजों की तरफ से जमीनें अलॉट थी, या राजा महाराजों की तरफ से जमीनें अलॉट थी, या फिर अपनी वफादारियों के तहत उनको ज़मीनें अलॉट थी। तो उन्होंने जो एक ओपोजिशन थी वो तो दिखानी थी, नेचुरल है, अगर आप किसी को कोई चीज़ देंगे और बाद में उससे छीनेंगे तो वो रिजिस्ट तो करेगा ही। तो कानून साजी हुई मगर वो पूरी नहीं हो सकी थी और पाकिस्तान का निज़ाम और माफिया उसके आगे हर्डल्स बने हुए थे। और 1972 के अंदर मामला तय करने की कोशिश की गई, 1977 के अंदर मामला तय करने की कोशिश की गई, 1972 में 150 से 300 एकड़ की लिमिट थी, 1977 में 100 से 200 यानी कि 100 टू 200 एकड़ की लिमिट आ गई, तो और सख्ती होगी, लेकिन पाकिस्तान में कभी ये इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरीके से नहीं हो सकी, क्योंकि भुट्टो खुद भी तो एक जागीरदार थे, वडेरे थे और एक लैंडलॉर्ड थे। माना कि उनके अंदर अवाम का दर्द मौजूद था, लेकिन वो कैसे रिफॉर्म्स पूरी करवा पाते जबकि उनके जो आसपास इलेक्टेबल्स थे जो आज इमरान खान को भी नुकसान दे रहे हैं, तो वो ये नहीं चाहते थे कि उनसे उनकी ज़मीनें ले ली जाएँ। और इसके अलावा जो उनकी रिफॉर्म्स थी उसके चंद फायदे हुए थे, जैसे कि रिलीजियस मामलात हैं, रिलीजियो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं,
और मोनोपली वगैरह थी, गद्दी नशीन, दरबारी वगैरह, यानी कि एक बंदा है वो पीर है, उसके पास पता नहीं कितने मुरब्बे जमीन है, फिर उसका बेटा उसका गद्दी नशीन बन जाता है, वो एल है या नहीं है, और बस वो तावीज लिख के दे रहा है, और इस तरह के मामलात, और ये साई वडेरे जागीरदार चौधरी, तो इनसे भुट्टो छुटकारा दिलाना चाहते थे आम आवाम को, और आम आवाम में जमीनें डिस्ट्रीब्यूट करके मुल्क में तरक्की लाना चाहते थे। तो ये आज का लेक्चर था, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और जो हमारा दूसरा चैनल है रिमोट स्टूडियो, वहाँ जाकर भी वीडियोस देख सकते हैं अबाउट सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा पोएट्री एंड राइटिंग। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।